वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ राजधानी से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक और बड़ा दाव सामने आ रहा है, जहां आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को 10,000 मानदेय देगी कांग्रेस। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया ऐलान, शाहजहांपुर में पुलिस की बर्बरता कर बोली, मैं लड़ाई के साथ हूँ, आशा बहनों पर किया गया एक एक वार, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड नवजीत सिंह जुड़े हुए हैं। नवजीत जी, कांग्रेस द्वारा यहां बड़ा दाव एक बार फिर खेला जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर यहां बयान सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महिला वोटर्स को लुभाने में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनका एक बड़ा ऐलान सामने आया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा बहनों और आंगनवाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय जो है वो कांग्रेस द्वारा दिया जाएगा, सरकार द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध है। और प्रियंका गांधी ने यह ऐलान शाहजहांपुर की उस घटना को शेयर करते हुए किया है, जिसमें पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। और शाहजहांपुर के खिरनी बाग स्थित जीआईसी के मैदान में पीएम योगी की जनसभा से पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की आशंका को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले भी लिया था। इसी दौरान विरोध करने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महिला पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा भी था। तो महिला पुलिस कर्मियों, महिला आशा कर्मियों के और महिलाओं के वोटों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दाव जो है वो खेला है उत्तर प्रदेश में। जी वही नवजीत जी, देखा जा रहा है किस तरीके से इसके पहले भी महिलाओं को 40% यहाँ चुनाव में जगह देने की बात कही जा रही थी, वहीं अब एक बार फिर आशा कार्यकर्ता जो कि महिलाएं हैं उन पर यहाँ पर जो है कांग्रेस द्वारा एक बार फिर दाव खेला गया है, तो किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? महिलाओं को लेकर काफी एक्टिव है यहाँ पर कांग्रेस, किस तरीके से पूरे इस मामले को देखा जा रहा है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स की जो है वो बड़ी अहम भूमिका है और पूरे चुनाव में बड़ा हिस्सा महिला वोटर्स का है, वो इस चुनाव के विजेता को निर्धारित करता है। और जिस तरीके से 40% महिलाओं के वोट हो या महिलाओं को स्कूटी देने का वादा हो या महिलाओं के लिए घोषणाएं हो, उसको लेकर महिलाओं के पक्ष में महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है। और इसके पहले भी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर घेराव करते हुए आशा बहु हिरासत में ली गई थी। तो एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की है और आशा बहुओं का 100% जो है वोट जो है वो कांग्रेस में अपने पक्ष में करने के लिए महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। जी नवजीत जी, इसके साथ ही तरह तरह की कोशिश यहां पर देखी जा रही है कांग्रेस द्वारा महिलाओं को लुभाने के लिए की जा रही है, वहीं यहां का मोर्चा जो है वो भी प्रियंका गांधी संभाली हुई है, क्या कुछ माहौल जो है ओवरऑल देखा जा रहा है महिलाओं को की अगर बात करें, महिलाओं का क्या कुछ रुख देखा जा रहा है पूरे चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर? कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उन्होंने शाहजहांपुर का भी वीडियो भी शेयर किया है और लगातार जो है ये उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक दल है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं है, वो सब योगी पार्टी पर योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। और उसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने भी यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक एक वार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है और मेरी आशा बहनों ने कोरोना मांगे मौकों पर पूरी लगन से उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी सेवाएं दी, मानदेय उनका हक है और उनकी बात करना सरकार बात सुनना जो है वो सरकार का कर्तव्य भी है और आशा बहनें सम्मान की हकदार है और मैं इन महिलाओं के साथ हूँ। और महिलाओं इस स्टेटमेंट के बाद विपक्षी भी जो है वो पीछे नहीं है, वो हवा हवाई बयान करार देते हुए प्रियंका गांधी को केवल ट्विटर गर्ल बता रहे हैं कि वो सिर्फ ट्वीट कर रही हैं और ट्विटर से जो है वो लोगों की भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ चीज कर रही हैं वो, और लेकिन महिलाएं जो हैं वो लगातार प्रियंका गांधी के साथ जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पीछे कुछ दिनों पहले ही अभी महिला पुलिसकर्मियों की फोटो जो है उनके साथ वायरल हुई थी जब उन्हें हिरासत में लिया गया था। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को जो जिस तरीके से वोट का डाइवर्जन जो कांग्रेस की तरफ किया जा रहा है तो महिलाओं की तरफ जो है वो महिला वोट जो है वो कितने नजर आ रहे हैं। जी नवजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को 10,000 मानदेय देने की बात जो है कांग्रेस द्वारा कही गई है, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ये जो ऐलान है वो किया है। शाहजहांपुर में आपको बता दें आशा बहनों पर जिस तरीके से बर्बरता की गई थी उसे लेकर उन्होंने ये ऐलान किया है।